बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। इसका पार्ट 1 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। इसको हम अरेंज कर लेते हैं। पहले ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर। अब आपके जहन में एक फार्मूला आ रहा होगा, अगर ये तीन टर्म्स हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाता है। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2a यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 लिखा हमने प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस बी होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग देखें तो ये चीज़ जो है ये किसके इक्वल है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस बी एज इट इज़। अब देखें यहाँ पर आपको एक और फार्मूला नज़र आ रहा होगा, हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम इस वैल्यू को, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ए माइनस वन, एक दफ़ा ये माइनस में आएगा माइनस बी और फिर हम इसे प्लस बी करके लिखेंगे प्लस बी। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। ए माइनस बी माइनस वन ए प्लस बी प्लस वन, ये इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी है, ये माइनस का 1 था, इसे माइनस का 1 ही लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर इसमें से हम माइनस की साइन कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये कॉमन इसलिए ले रहे हैं कि इससे हमारे पास सेम फार्मूले की फॉर्म में आ जाएगा। अभी आप देखें 1 माइनस से अरेंज कर लेते हैं तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे थे फार्मूला। फार्मूला जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो फिर आपको खुद से पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। अब देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो कौन सा फार्मूला हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, x है हमारे पास थर्ड टर्म से बाहर आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज।
अब हम इसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और वन का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो क्योंकि वन पे वन का होल स्क्वायर करेंगे तब भी हमारे पास वन ही रहेगा, ये दोनों इस फॉर्म में आ जाएंगे। अब देखें फिर से हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास ए है माइनस के साइन और फिर ये बी की वैल्यू, तो ये किसके इक्वल है ए माइनस बी ए प्लस बी के। अब हम इसे लिख सकते हैं वन, एक दफा हम माइनस के साथ लिखेंगे और एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे, और प्लस क्योंकि ये बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू प्लस के साथ अब आएगी। और इसको हम खोल लेते हैं, वन माइनस माइनस हमने कॉमन लिया था हम माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस वाई, और इसी तरह से यहाँ पर वन प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट थ्री, वाई रेज पावर फोर प्लस टू वाई क्यूब्ड जेड माइनस टू वाई जेड क्यूब माइनस जेड पावर फोर। इसको हम पहले अरेंज करते हैं, y की पावर फोर माइनस z रेज पावर फोर प्लस टू वाई क्यूब्ड जेड माइनस टू वाई क्यूब वाई जेड क्यूब्ड। अब हम इसे यूं भी लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, y की पावर 2 जब उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगी, y की पावर 4 ही हमारे पास आएगी, माइनस इसी तरह से z को लिख सकते हैं z स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2y क्यूब्ड z माइनस 2y z क्यूब्ड। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें फार्मूला नज़र आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, किसके इक्वल होता है जी, ए माइनस बी ए प्लस बी। हम इसे लिख सकते हैं एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और बाकी ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखें यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस सेट स्क्वायर, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं कोई चीज़, प्लस टू वाई और सेट हमारे पास कॉमन आ सकते हैं यहाँ से, वो हमने कॉमन ले लिए, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखें हमारे पास यहाँ पर भी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ रहा है, तो हम इन दोनों टर्म में से वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, हम एक दफ़ा लिखेंगे इसे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया,
अंदर हमारे पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड। अब यहाँ पे हम लोग माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। इसे हम लिख सकते हैं y माइनस सेट y प्लस सेट, और इसको अरेंज करके लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब आप देखें इसके अंदर हमें फॉर्मूला मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है हमारे पास। ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। मिड टर्म को देखेंगे, अगर उसके साथ प्लस के साइन है तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर माइनस के साइन है तो माइनस वाला फार्मूला आएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस सेट वाई प्लस सेट एज इट इज ही रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस टू वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर। वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y और z का स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर भी देखें, ये माइनस के साइन के साथ है, y प्लस z आ रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं y प्लस z क्यूब। यहाँ पे पावर 1 है, 1 प्लस 2 हमारे पास 3 आ जाएगी। हमारा सॉल्व